हेलो नमस्कार, अपने चैनल ITIY ITIY पवन को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज क्वेश्चन 20 से आगे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों की सीरीज थोड़ी सी आगे वाली सीरीज है, सेकंड पार्ट्स बोल सकते हो आप इसको। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से, लेकिन है 20 पूरे क्वेश्चन, ठीक है। और पहला क्वेश्चन के थ्रू आ रहा है, 34वां क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन है, सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? फाइल, पानी, केरोसिन, ऑयल, चाकू, सैंड पेपर। इसका राइट आंसर है सैंड पेपर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे के सारे JVNL टेक्नीशियन के अंदर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंड सिस्टमों में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 100% इंसुलेशन केबल, 133% इंसुलेशन केबल, 173% इंसुलेशन केबल, 203% इंसुलेशन केबल, इन सब। इसका राइट आंसर आएगा 133% इंसुलेशन केबल। कॉगिंग शब्द किस मोटर से जुड़ा होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है इंडक्शन, रिपल्सन, डीसी सीरीज, डीसी शंट या ऑल। इसका राइट आंसर आएगा इंडक्शन, इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है कॉगिंग। मैं इसका विस्तार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कभी फिर कभी बताएंगे वो डीसी मोटर सारी बताएंगे, डीसी मोटर एसी मोटर उसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है। ऑप्शन है 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो राइट आंसर इसका 2.2 वोल्ट, लेड एसिड बैटरी टर्मिनल वोल्टेज है, पूरी तरह से चार्ज होती है उसकी। अगला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्फेशन दोष होता है, बकलिंग में क्या होती है, प्लेटें मुड़ जाती है सल्फेशन दोष से, कौन सा होता है ये आपको बताना है, इससे होता है। इसका आंसर आएगा बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है सल्फेशन दोष की, और इसको चार्ज करना पड़ता है हल्के से ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग वर्जन, धीरे धीरे चार्ज करना बैटरी को। अगला क्वेश्चन है, 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक खालिस्तान होता है। इसका आंसर आएगा, आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको, 183 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक है, परावर्तन गुणांक बताना है। इसका आंसर आएगा -1। बटन पर TRS केबल किसके लिए उचित होती है, TRS केबल किसके लिए उचित होती है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे, देखो, कम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं। इसका आंसर आपको बताना है TRS केबल किसके लिए उचित होती है, कम वोल्टेज के लिए होती है, ठीक है, इसके लिए होती है कम वोल्टेज के लिए। अगला क्वेश्चन,
27 नंबर क्वेश्चन है, AVG का विस्तार यानी फुल फॉर्म बतानी है AVG का, जैसे SWG की होती है उसी प्रकार AWG की भी फुल फॉर्म होती है और उसका आपको बताना है क्या फुल फॉर्म है इसकी। अमेरिकन वायर गेज, इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। ऑप्शन देखो, एक से ज़्यादा, एक से कम, एक के बराबर, शून्य या अनंत। इसका राइट आंसर आएगा एक के बराबर। अगला क्वेश्चन है, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टरों को कहा जाता है, 26 का होगा स्टैंडर्ड कनेक्टर। तारों के समूह से बना, मतलब एक एक तार के बहुत सारे तार होते हैं गुंथे गंदे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कनेक्टर। केबल को छिलते हैं तो बहुत सारे तार निकलते हैं। कॉपर सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्योंकि इनमें उच्च चालकता होती है कॉपर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। इससे फाइन वायर बनाया जा सकता है, ये भी सही बात है। सिल्वर से सस्ता होता है, ये भी सिल्वर से सस्ता होता है। इसमें शरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, इसका आंसर आएगा इन सब में। अगला क्वेश्चन, लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। लग देखा, लग जानते हो ना, लग किसके लिए उपयोग करते हैं ये बताना आपको। तार की लंबाई उठाने के लिए, जोड़ से शोल्डर हटाने के लिए, केबल को जोड़ने हटाने के लिए, तारों को काटने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा केबल को जोड़ने या हटाने के लिए। लग से क्या होता है, केबल की लंबाई बढ़ा देते हैं या केबल को जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर पर कहीं भी, लग लगा देते हैं जिससे मजबूत जॉइंट हो जाता है। अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा है, इसका ऑप्शन आएगा शुद्ध। अत्यधिक करंट प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूलभूत सुरक्षा है शुद्ध। अगला क्वेश्चन है, बटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसके बीच में कितनी दूरी होती है, स्क्रू से दूसरे स्क्रू के बीच की दूरी कितनी होती है ये बतानी है आपको। इसका आंसर आना चाहिए 7.5 mm है, 7.5 सेंटीमीटर, 75 mm है, 75 सेंटीमीटर है, 75 मीटर। मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, mm बहुत कम हो गया, सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, लिंक क्लिप्स में दो छिद्र होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है व्यास वो कितना होता है ये बताना, किस लिए होते हैं बताइए आपको, किस लिए होते हैं उनका जो व्यास होता है वो कितना होता है ये बताना। उनका व्यास होता है 40 mm। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी वीडियो बनाएंगे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उस पेपर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।